hi everyone welcome back to our youtube channel study Band. तो स्टूडेंट्स टुडे दिस इज़ पार्ट फाइव ऑफ अवर एम सी क्यूज प्रैक्टिस सेशन आई होप आप सबने इसके फर्स्ट फोर पार्ट्स देख रखे होंगे जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में भी प्रोवाइडेड है आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर किसी ने नहीं देखा है या फिर कोई चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो ओके एंड येस आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे दो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं फर्स्ट वन इज विद द नेम ऑफ स्टडी बैंड एंड अनदर वन इज स्टडी बैंड डिस्कशन ग्रुप जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी बैंड वाला जो ग्रुप है इसमें आपको पी डी एफ्स मिल जाएंगी और लिंक्स भी प्रोवाइडेड हैं जो भी वीडियोज

बी बजटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने बजट को प्रॉपरली डिज़ाइन करते हैं फ्रेम करते हैं फिर आगे फर्दर इम्प्लीमेंट भी करते हैं उससे पहले तो ये हमने प्लानिंग भी कर रखी होती है देन ऑपरेट भी करते हैं बजट तो यही हो गया बजट की ही बात कर रहे थे कि उसको बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है उसको हम बजटिंग कहते हैं तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बजट हो गया हम बोल सकते हैं एक तरह से ये वेल डिफाइंड प्लान है जिससे हम आगे फर्दर कैरी आउट करते हैं अपने बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए ठीक है और बजटरी कंट्रोल क्या होता है इट इज़ अ मेजर विच इज़ टेकन टू कंट्रोल दी बजट एक तरह से हम करते क्या है इसमें हम देखते हैं कि हमने क्या बजट सेट करा था फिर इन दी एंड उसको कंपेयर करते हैं हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कि क्या वैसा हमने करा जैसे हमने बजट के हिसाब से सोचा था अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है देन इन दैट केस वी हैव टू टेक दी इफेक्टिव मेजर्स जिससे हम अपने ट्रैक पर वापस आ जाए ओके okay? तो यहाँ करेक्ट आंसर था हमारा बजटिंग गलती से आप इसको बजट कंट्रोल मत करना वो गलत हो जाएगा ओके okay? पहला क्वेश्चन तो ईजी था एंड यस yes, आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर देना देन मेरे साथ बाद में मैच करिएगा ओके देन सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज रुपीज़ टेन थाउजेंड आफ्टर रिसीविंग रुपीज़ टू थाउजेंड फ्रॉम अनिल गिविंग अ चेक ऑफ रुपीज़ थर्टी टू हंड्रेड टू सुनील एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस रुपीज़ फाइव हंड्रेड बैलेंस ऑफ कैश विल बी अब क्या है फर्स्ट अप्रैल 2020 को हमारी कैश बुक में जो कैश कॉलम था उसका बैलेंस था रुपीज़ टेन थाउजेंड हमें अपनी कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो पता है एक जो होती है लेफ्ट हैंड साइड और वी कैन से जो उसकी डेबिट साइड होती है दैट इज़ नोन एज रिसीट साइड और जो उसकी राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं पेमेंट्स साइड ठीक है एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैश बुक सिंगल कॉलम डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम अब उन्होंने कहा जो कैश बुक में कैश कॉलम है उसमें क्या हुआ है हमारे पास स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था रुपीज़ टेन थाउजेंड को तो ओके तो स्टार्टिंग बैलेंस हमारा था टेन थाउजेंड फिर उन्होंने कहा कि बाद में हमने रिसीव भी करे टू थाउजेंड अनिल से रिसीव किए हैं तो हमें पता है रिसीट साइड आएंगे टू थाउजेंड यहाँ पे आ जाएंगे देन गिविंग अ चेक ऑफ थर्टी टू हंड्रेड टू सुनील तो ध्यान से देखना यहाँ पे चेक लिखा है इसका मतलब यहां पे बैंक वाला कॉलम इफेक्ट होगा ना कि कैश वाला बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में इन दी एंड पूछा है कि कैश का क्या बैलेंस होगा तो बैंक वाला जो होगा हम उसको इग्नोर कर देंगे ठीक है उसके बाद पेमेंट करी हमने वेजेस की रुपीज फाइव हंड्रेड की मतलब हमने कैश में करी होगी कुछ नहीं लिखा है तो वेजेस की पेमेंट करी है तो पेमेंट साइड पर हमारा फाइव हंड्रेड आ गया होगा देन इन दी एंड वो पूछ रहे हैं कि कैश बैलेंस कितना होगा तो टोटल रिसीट्स हमारे पास आई हैं ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज में से फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे बाय बैलेंस कैरीडाउन इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लियर है वाला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कर लेना स्टार्ट ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ बजट दैट रिक्वायर्स ऑल लेवल्स टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच इज नोन एज ऐसा बजट जिसमें हम स्टार्टिंग से मतलब स्क्रैच से फ्रॉम द वेरी बेसिक रूट से हम स्टार्ट करते हैं बजट को स्टार्टिंग से विदाउट कंसिडरिंग द पास्ट इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर में कोई भी बजट डिसाइड किया हो वेदर इट इज लोअर और हायर हमें उससे कुछ मतलब नहीं है हम स्टार्टिंग से देखते हैं उस बजट को जो स्टार्टिंग से बनाते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कंसिडरिंग इट एज अ न्यू वन पुराना हम कुछ भी कंसिडर नहीं करते दैट कॉन्सेप्ट ऑफ़ बजट इज़ नोन एज़ जीरो बेस्ड बजट और उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग बाकी फ्लेक्सीबल बजट आपको पता है इट कैन भी डिफाइंड एज अ सीरीज़ ऑफ़ फिक्सड बजट और वी कैन से स्टैटिक बजट जिसमें क्या होता है हम डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ पर अपने टारगेट्स को सेट करते हैं लाइक like, हमें पता है अगर थर्टी थाउजेंड यूनिट्स होंगे तो हम मान लेते हैं चलो इस पर खर्चा थ्री लाख का आ जाएगा अगर फोर्टी थाउजेंड यूनिट्स होंगे तो मान लेंगे इस पर खर्चा हमारा फोर लाख का आ जाएगा तो एक इंडिविजुअली बात करते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे फिक्सड बजट होते हैं बट अगर इनको एक साथ हम इकट्ठे लिख दे तो, तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ फिक्स्ड बजट जिसको हम क्या कहेंगे फिर फ्लेक्सिबल बजट ओके टोटल बजट देन मास्टर बजट मास्टर बजट को हम क्या बोलते हैं समरी बजट भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे फंक्शनल बजट जितने भी हमने बनाए होते हैं सब इकट्ठे इसमें आ जाते हैं ओके चलिए नेक्स्ट वन दैट इज़ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन ध्यान से देखना अब क्या है कैश विड्रॉ करा हमने बैंक से तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो चलिए हम पहले क्या करेंगे एंट्री देखेंगे कि एंट्री क्या होगी जब आप कैश को विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द बैंक तो क्या होगा कैश विड्रॉ करने से कैश आपके पास आ जाएगा कैश आपका एसेट होता है बढ़ेगा तो डेबिट और आपने बैंक से निकाला तो आपके बैंक का बैलेंस कम हो गया बैंक डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या फ्रेम होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट अब कह रहे हैं कि कौन सा कॉलम इफेक्ट होगा तो आपने देखा यहाँ पे कैश के रिलेटेड भी है एंट्री हमारी और बैंक के रिलेटेड भी है दैट मीन्स दोनों कॉलम्स इफेक्ट होंगे बट यह सबको ध्यान देना है कि कैश कॉलम की कौन सी साइड इफेक्ट होगी डेबिट साइड क्योंकि हमने कैश को क्या करा है डेबिट करा है और बैंक कॉलम की कौन सी साइड इफेक्ट होगी क्रेडिट क्योंकि हमने बैंक को करा है क्रेडिट तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा डेबिट ऑफ कैश कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम ओके सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्लियर टू एवरीबडी चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैश बुक के नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस दैट इज पेमेंट्स के नॉट बी डैश कैश इन हैंड आपको पता है कि कैश बुक का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता या वी कैन से सिंपल कैश बुक में जो कैश कॉलम होता है उसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता हमेशा पॉजिटिव होता है या हम कह सकते हैं कहने की क्या कोशिश कर रहा है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा पॉजिटिव बैलेंस होगा क्यों होगा वही कह रहे हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं होगा क्योंकि पेमेंट्स कांट बी ऑप्शन ए मोर देन कैश इन हैंड ट्वाइस कैश इन हैंड इक्वल टू कैश इन हैंड या फिर लेस देन कैश इन हैंड सो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन ए मोर देन कैश इन हैंड कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके हाथ में जितना कैश है उससे ज्यादा आपने पेमेंट कर रखी हो खुद सोचिए ना आपके पास ट्वेंटी रुपीज़ इन हैंड है तो आप थर्टी रुपीज कैसे पे कर सकते हो टेन रुपीज़ कहाँ से लाओगे नेगेटिव में कभी आपका कैश होगा ही नहीं सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्लियर है वाला भी चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक इज अब मैं इसको साथ में रीड करूंगी सेवेंथ क्वेश्चन के क्योंकि बच्चे कई बार गलती कर रहे हैं और ये मैंने आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन नंबर सिक्स अब क्या है कन्फ्यूज होते हैं बस एक वर्ड पूरे आंसर को चेंज कर देता है यहाँ पे बैंक अकाउंट है और यहाँ पे बैंक कॉलम है ध्यान से देखना ठीक है अब कहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखते हैं आपको पूछा कि जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होगा उसको हम अपनी कैश बुक में कैसे बताएंगे ठीक है ध्यान से देखना कैश बुक ओके okay. अब हमें पता है कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक की बात कर लेते हैं कैश कॉलम होगा और बैंक कॉलम भी होगा यहाँ पे रिसीट्स आएंगी और यहाँ पे पेमेंट्स आएंगी ठीक है यहाँ पे भी कैश होगा यहाँ पे बैंक कॉलम होगा डेबिट क्रेडिट साइड दोनों होंगी ना ठीक है अब क्या है आपको पता है जब हमने बैंक रिकन्सलेशन स्टेटमेंट भी करा था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम होता है दैट इज़ इक्वलेंट टू जो आपकी पासबुक होती है ठीक है तो अब आपकी पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है उसका क्या मतलब होगा आपकी कैश बुक में वो क्या है डेबिट बैलेंस है क्यों क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा कि आपके बैंक में पैसा वो पड़ा हुआ है क्योंकि डेबिट बैलेंस होगा तभी हम बोलेंगे कि वो हमारे लिए फेवरेबल है क्योंकि और साथ में बैंक हमारा क्या होता है एसेट होता है तो एसेट इंक्रीज़ करेगा तो डेबिट होगा तो ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस इज़ अवर फेवरेबल बैलेंस और हमारे लिए डेबिट क्यों होता है क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट है बट वही पैसा जो हम बैंक में जमा करवाते हैं बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी बन जाती है क्योंकि वो बैंक का एक्चुअल में उसका पैसा नहीं है दैट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर देम तो बैंक उस टाइम पर क्या करता है क्रेडिट करता है जब आप डिपॉजिट करवाते हैं बैंक उनको क्रेडिट करेगा क्योंकि वो पैसा उनके लिए लाइबिलिटी बढ़ती जाती है बट वो हमारे लिए एसेट बढ़ता है तो हम अपने लिए डेबिट करेंगे कैश बुक में बट बट एट दी सेम टाइम बैंक में वो क्रेडिट होता है ठीक है तो जब आपके बैंक अकाउंट में अकाउंट की बात है कॉलम की बात नहीं करी है बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो कैश बुक में कैसे बताओगे क्रेडिट बैलेंस बैंक अकाउंट में है तो हमारा बिजनेस का क्या होगा वो डेबिट बैलेंस क्योंकि हमने वहाँ पे जमा करवाया होगा वो पैसा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए बच्चे इसको क्या करके आते हैं ऑप्शन सी वो गलत हो जाता है ओवरड्राफ्ट नहीं होगा ओवरड्राफ्ट होगा जब लिखा होगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक जब बैंक कॉलम की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि वो ओवर है अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था यहाँ पर बैलेंसिंग करना सीखते थे तो अगर आपकी बैंक की डेबिट साइड ज़्यादा होती है क्रेडिट साइड से ठीक है बैंक की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है इसका मतलब वो क्या है डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस आता ही क्रेडिट साइड पे और अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो तो वो यहाँ पे डेबिट साइड पे आएगा डिफरेंस और उसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस और बैंक का क्रेडिट बैलेंस होना का मतलब कि वो ओवरड्राफ्ट है आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव चला गया ठीक है वो देखो आप यहाँ पर बैंक कॉलम में बात होती है तब हम बोलेंगे ओवर ठीक है क्या होगा ओवरड्राफ्ट कब होगा जब क्रेडिट बैलेंस होगा बैंक कॉलम का दिस इज बैंक कॉलम ना ओके okay, तब हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट ड्राफ्ट बट जब बैंक अकाउंट लिखा होगा तब आपने गलत नहीं करना है ओवर नहीं होगा उस टाइम पे होगा कि बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग हमारा क्रेडिट बैलेंस है बट हमारे लिए कैश बुक में उसको क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है ना कि ये बोलेंगे कि ओवर है आप ये वर्ड देखते हैं ना क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस तो इससे गलती करते हैं बट आगे भी देखा करें कि बैंक अकाउंट लिखा है और यहाँ पे बैंक कॉलम की बात करिए ठीक है आई होप अब आपको क्लियर है बाकी मैंने पहले भी कई बार एम सी क्यूज़ कराया उनमें भी क्वेश्चन कई बार करवा दिए ऑलरेडी अगेन मैंने आपको एक्सप्लेन करा है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स रुपीज़ वन लाख एटी थाउजेंड अब कुछ आपको एडजस्टमेंट्स दिए हैं यहाँ पे उससे पहले का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था रुपीज़ वन लाख एटी थाउजेंड ओके दिस इज़ नेट प्रॉफिट रुपीज़ वन लाख एटी थाउजेंड और आपको पता है नेट प्रॉफिट कहाँ से निकलता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये किसका पार्ट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसको हम दूसरा किस नाम से बुलाते हैं इनकम स्टेटमेंट याद है नहीं ये सब ओके तो अब क्या बोला उन्होंने कि एडजस्टमेंट से पहले हमारा नेट प्रॉफिट था वन लाख एटी थाउजेंड और ये कुछ एडजस्टमेंट्स थी देन कैलकुलेट दी प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स अब इन एडजस्टमेंट्स को कंसिडर करने के बाद आप नेट प्रॉफिट को निकालो तो एडजस्टमेंट क्या है आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी का पहले आपको पता होना चाहिए मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करवा रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉपिक में आउटस्टैंडिंग सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है दो इफेक्ट जाते हैं एडजस्टमेंट्स के क्या होगा एक तो पी एंड एल अकाउंट में जो आपकी सैलरी का अमाउंट शो हो रहा होगा कहाँ पे होगा डेबिट साइड पे उसमें ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का आप अमाउंट ऐड कर दोगे ऐड आउटस्टैंडिंग टेन थाउजेंड और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा इन बैलेंस शीट बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे इट विल बी अ लाइबिलिटी फॉर यू क्योंकि सैलरी का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है मींस विच इज ड्यू बट नॉट येट पे जो हमने अभी तक पे नहीं करी तो लाइबिलिटी भी होगी और साथ ही साथ हमारे लिए जो रिस्पेक्टिव सैलरी वहां पे लिख रखी होगी उसमें ऐड हो जाएगी मतलब खर्चे को और दिखाएंगे हम दस से तो इसका इफेक्ट हमने दिखाना है अब नेट प्रॉफिट पर क्या बढ़ेगा नेट प्रॉफिट वन लाइक एटी थाउजेंड था बट अभी हमने टेन थाउजेंड को कंसिडर नहीं करा तो दिस वॉज एन एक्सपेंस फॉर अस अब ये खर्चा एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम कम करेंगे कितना आ जाएगा वन लैक सेवेंटी थाउजेंड फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस अब हम देखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का क्या एडजस्टमेंट होगा देखो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है पहले तो हमें मतलब पता है इंश्योरेंस का वो अमाउंट जो हमने एडवांस में पे कर दिया मतलब प्रीपेड किया है ठीक है तो क्या होगा बैलेंस शीट में एक तो हम उसको एसेट बताएंगे क्योंकि एडवांस में खर्चा किया है जो भी हमारा खर्चा बनता नहीं था तो अ काइंड ऑफ एसेट फॉर एस और साथ ही साथ हम क्या करेंगे जो पी एंड एल अकाउंट में हमने खर्चा दिखाया होगा इंश्योरेंस का उसमें से प्रीपेड को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं प्रीपेड माइनस क्यों करते हैं क्योंकि अब वो हमारा खर्चा नहीं मानेंगे हम बोलेंगे करंट ईयर का है ही नहीं क्योंकि हमने वो एडवांस में पे कर रखा है फॉर दी नेक्स्ट ईयर तो प्रीपेड को हम लेस कर देंगे हमने अपने खर्चे को कम करना है थोड़ा सा तो उस वजह से क्या होगा खर्चे को कम करने से हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा इंक्रीज करेगा ये तो आपको समझ आ रहा है ना तो खर्चे से प्रॉफिट हमारा यहाँ जाएगा क्योंकि खर्चा हमने कम करना है तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और टेन थाउजेंड माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दिस इज माइनस टेन थाउजेंड ये प्लस किया थर्टीन थाउजेंड आंसर विल बी वन लैख एटी थ्री थाउजेंड तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज प्रीपेड इश्योरेंस एक्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज शोन इन द बैलेंस शीट इन एसिड साइड बिकॉज ऑफ अब बोला है कि जो हम बैलेंस शीट में एसिड साइड पर प्रीपेड इंश्योरेंस को बताते हैं वो किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं क्यों बताते हैं सो दैट इज़ एज पर एक््रूअल कॉन्सेप्ट ऑप्शन ए एक्रोअल कॉन्सेप्ट मैंने आपको यही समझाया था कि चाहे वो खर्चा है, हमारा करंट ईयर का हो या नहीं हो चाहे हमारी इनकम वो करंट ईयर की हो या नहीं हो बट अगर करंट ईयर में जो खर्चा हमने कर दिया ना उसको हमने कंसिडर करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उसको कंसिडर कैसे करेंगे आप सोचेंगे माइनस कर दिया तो कंसिडर कहाँ किया हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को स्टिल हमने अपने वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम उसको प्रेजेंट तो करा ना वहाँ पे कि येस हमारा ही खर्चा नहीं था और यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ गया तो हम ये चीज़ें बताते हैं एज पर एक्रोअल कॉन्सेप्ट ओके वैसे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है देन एडवांस इनकम होती है प्रीपेड एक्सपेंस कोई भी होगा जो एडवांस आउटस्टैंडिंग एक्रूड ये सब जो टर्म्स है ना ये हम कंसिडर कब करते हैं करते ही क्यों है एज पर दी एक्चुरल कॉन्सेप्ट एक्चुरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही यही होता है कि हमने इन सब टर्म्स को भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडर करना होता है बाकी स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक like भी करना साथ ही साथ मैं आपको बोलती हूँ मुझे इससे मोटिवेशन आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैक्सिमम रिबेट ऑफ रुपीज़ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज अलाउड फॉर इनकम अप टू रुपीज़ फाइव लाख। अब इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है ये तो हमें पता है नाइनटीन सिक्सटी वन ठीक है अब इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन की ऐसी कौन सी सेक्शन है जो हमें मैक्सिमम रिबेट देती है मतलब डिस्काउंट देती है रुपीज़ फिफ्टीन थाउजेंड सॉरी रुपीज़ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का उस इनकम के लिए जो कितनी होती है अप टू रुपीज़ फाइव लाख फाइव लाख तक की इनकम हो या फाइव लाख से कम हो तो आपको जो भी टैक्स बनता है उस पर और हमें फर्दर ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड की रिबेट मिल जाती है सो दैट इज़ गिवन एज पर सेक्शन एटी सेवन ए ठीक है फाइव लाख की इनकम पे आपको जो भी टैक्स बनता है वो माफ हो जाता है एज़ पर दिस रिपीट क्या होगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैख पे आप टैक्स निकाल के देखेंगे तो ट्वेल्ल थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही बनेगा पूरा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अमाउंट का आपको रिबेट मिल जाता है तो इसीलिए हम बोलते हैं आजकल ऐसे बच्चे कन्फ्यूज भी होते हैं ये नहीं करना है फाइव लाख का आपको ये नहीं है कि टोटली एग्जाम है फाइव लाख का एग्जाम इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर रिबेट मिल जाती है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड की बाकी स्टिल अगर फाइव लाख से लेस अमाउंट होगा तो जो अमाउंट होगा आपको उतने की ही रिबेट मिलेगी मतलब ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो होती है उनमें से विच एवरेज लेस होगा आपको वो रिबेट मिल जाएगी और वो किसके अकॉर्डिंग होता है एज पर सेक्शन 87 सेवन ए ये ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में टैक्सेशन वाले टॉपिक में समझा रखा है अगर देखना चाहते हैं तो वहाँ से एक बार देख सकते हैं रिविजन के लिए ओके चलिए नेक्स्ट वन द टाइप ऑफ बिल्स विच आर इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट दिय फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पन आर कॉल्ड ऐसे टाइप ऑफ बिल्स जो हम इशू तो करते हैं डिस्काउंट पे पर जब रिडम्पन की बारी आती है रिडीम वापस करने की बारी आती है तो उनको फेस वैल्यू पे करते हैं फेस वैल्यू मतलब पार वैल्यू उनकी एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है रिडीम करते टाइम वापस करते टाइम उसको हम पार वैल्यू पे करते हैं ऐसे बिल्स को और जब इशू करते हैं तब उनको डिस्काउंट पे करते हैं तो सच टाइप ऑफ बिल्स आर नोन एज दैट इज ऑप्शन बी ट्रेजरी बिल्स होते हैं जिनको हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू पे वापस करते हैं ठीक है क्लियर तो, है वाला क्वेश्चन भी चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये है पार्टनरशिप का वही रेशोस पे ए एंड बी आर हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर सी उसके फेवर में ए ने अपना कितना शेयर दिया अपने शेयर का हिस्सा दे दिया वन बाय ट्वेंटी और बी ने दे दिया वन बाय ट्वेंटी फोर्थ तो सेक्रीफाइसिंग रेशो बताओ क्या होगी ठीक है अब जल्दी से आप करना नहीं कि सेक्रीफाइजिंग रेशो आप निकाल आओगे एक का आप देखोगे वन ट्वेंटी है तो चलिए ए की रेशो वन बाय ट्वेंटी गई और बी की होगी वन बाई ट्वेंटी फोर वो गलत हो जाएगा इसमें आपने किस वर्ड पे ध्यान देना है मैंने आपको ये बताया रेशियोज़ वाले में ऑफ हिज शेयर ऑफ यहाँ पे भी ऑफ मतलब उसके शेयर का इतना हिस्सा तो ए का शेयर था कितना यहाँ पे रेशो है फाइव इज टू थ्री तो ए का शेयर है फाइव बाई एट और बी का शेयर है थ्री बाई एट तो हम कह सकते हैं कि ए का सेक्रीफाइज कितना है ए इज सेक्रीफाइजिंग रेशो कितनी हो जाएगी उसकी जो एक्चुअल में रेशो थी ओल्ड रेशो फाइव बाई एट मल्टीप्लाई बाई वन बाई ट्वेंटी उसने अपने इस शेयर का वन बाई ट्वेंटी दिया तो इसको आप काट लीजिए यहाँ पे आ जाएगा वन बाय थर्टी टू वैसे ही बी की क्या रेशो हो जाएगी सेक्रीफाइजिंग वन बाई ट्वेंटी फोर दिया उसने अपने शेयर का तो थ्री बाई एट का वन बाई ट्वेंटी फोर तो दैट विल बी वन बाई सिक्सटी फोर सो आंसर इज़ वन बाय थर्टी टू रेशो वन बाय सिक्सटी फोर आंसर होगा इसका ऑप्शन ए गलत मत करना कि वन बाई ट्वेंटी और वन बाय ट्वेंटी फोर देखोगे तो क्या बताओ नन ऑफ दीज कराओ वो गलत हो जाएगा याद रखना है ऑफ वर्ड का ध्यान देना है क्लियर है वाला क्वेश्चन बाकी अगर आगे फर्दर आपको न्यू रेशो निकालने को बोलते तो वो आपको आता है न्यू रेशो कैसे निकलती है यहाँ पे ओल्ड रेशो में से हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो माइनस कर देते दैट इज ए का बता देते हैं यहाँ पे फाइव बाई एट में से हम माइनस करते हैं वन बाय थर्टी टू तो यहाँ पे क्या आ जाता है ट्वेंटी माइनस वन बाई थर्टी टू दैट इज नाइनटीन बाई थर्टी टू वैसे या बी का निकाल लेते ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइजिंग रेशो ओके क्लियर है वाला चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन विच टाइप ऑफ कॉस्टिंग द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज असर्टेन बाय टोटल एक्सपेंडिचर विद द टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड अब ऐसा कौन सा टाइप है कॉस्टिंग का जिसमें हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं या वी कैन से एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सपेंडिचर विद टोटल यूनिट्स तो ये हम करते हैं इन केस ऑफ यूनिट कॉस्टिंग तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आप जल्दी से करेंगे ऑप्शन ए वो गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको बताया यूनिट कॉस्टिंग का ही दूसरा नाम आउटपुट कॉस्टिंग भी है और इसका नाम सिंगल कॉस्टिंग भी है सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी तो जिसने पढ़ रखा होगा जिसको याद होगा कि तीनों नाम इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकते हैं तो वो करेक्ट करके आ जाएगा बाकी ये ये रिविजन की होगी तो आपको याद होगा ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन डी चलिए अब यहाँ पे देख लो एक बार मैंने आपको बताया है कॉस्ट अकाउंटिंग में जो पढ़ा था हमने यूनिट कॉस्टिंग इसको हम सिंगल कॉस्टिंग भी कहते हैं और आउटपुट कॉस्टिंग भी कहते हैं और ये ऐसी फॉर्म्स के लिए सुटेबल होते हैं जिसमें सारे गुड्स वो मैन्युफैक्चर होते हैं जो आइडेंटिकल हो सेम नेचर के हों सेम हो जैसे आप माइनिंग करेंगे ठीक है ब्रिक्स वगैरह होंगी तो क्या होगा ब्रिक्स सारी सेम है ना आइडेंटिकल ही होती हैं तो टोटल जितनी हमने ब्रिक्स बनाने में खर्चा किया डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स तो उसमें क्या होगा हमारा कॉस्ट पर ब्रिक निकल आएगी तो पर यूनिट के हिसाब से निकलती

मिस्टर एक्स परचेज अ कंप्यूटर फॉर रुपीज़ सिक्सटी थाउजेंड बाई मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ़ रुपीज़ टेन थाउजेंड एंड बैलेंस रुपीज़ फ़िफ्टी थाउजेंड साइनिंग द अग्रीमेंट ऑफ बिल्स पेएबल ड्यू इन फिफ्टी डेज एज़ अ रिजल्ट ऑफ़ दीज ट्रांजेक्शन अब क्या हुआ मिस्टर एक्स ने कंप्यूटर परचेज़ करा रुपीज़ सिक्सटी थाउजेंड का और डाउन पेमेंट कर दी उसी टाइम कितने की रुपीज़ टेन थाउजेंड की और जो बैलेंस बचा रुपीज़ फ़िफी थाउजेंड का उसके लिए उसने क्या करा मिस्टर एक्स ने अग्रीमेंट साइन कर लिया फॉर बिल्स पेएबल जिसकी पेमेंट करेगा

टेन थाउजेंड से और जो बैलेंस था फिफ्टी थाउजेंड का उसके लिए हमने अपनी लाइबिलिटी एक क्रिएट कर ली बिल्स पेबल आपको पता है लाइबिलिटी होती है तो वो इंक्रीज होगी लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट तो फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पर आ जाएगा और हमें पता है और ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड और ऐसी जर्नल एंट्री जिसमें मोर देन वन डेबिट या फिर मोर देन वन क्रेडिट होता है वैसी जर्नल एंट्री को हम क्या कहते हैं इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में ठीक है आपको याद होगा तो आपका इसका आंसर कर पाएंगे चलिए अब देखते हैं उन्होंने बोला कि इसका इफेक्ट क्या होगा खुद देखो कंप्यूटर हमारा एसेट सिक्सटी थाउजेंड से इंक्रीज़ हुआ और हमारा एसेट दस हज़ार से कम भी हुआ तो नेट इफेक्ट हुआ है कि हमारे टोटल एसेट्स फिफ्टी थाउजेंड से इंक्रीज़ हुए और हमारी लाइबिलिटी फिफ्टी थाउजेंड से इंक्रीज हुई सो so, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय फिफ्टी थाउजेंड आपने देखा टोटल नेट जो हमारे एसेट्स इंक्रीज हुए हैं फिफ्टी थाउजेंड से ही हुए हैं और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है फिफ्टी थाउजेंड से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ वेजेज आर पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमाइस डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड डैश अकाउंट इज डेबिटेड अब क्या पूछा है आपको कि जब आप अपने बिजनेस प्रमाइजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करोगे तो उस टाइम पे हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा जर्नल एंट्री बनानी होगी तो हमें पता है जब हम किसी कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस पे करते हैं या हम कोई एसेट को बनाने के लिए कोई एसेट खरीदने के लिए फर्स्ट टाइम जो भी वेजेस पे करते हैं उस पर जो भी खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंस नहीं बताएंगे पी एंड एल में इनफैक्ट उसको हम कैपिटलाइज करते हैं कैपिटलाइज इन देंस कि हम उस एसेट को ही डेबिट कर देते तो यहां पे हमने एंट्री क्या करी होगी बिजनेस प्रमाइसिस अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा एसेट बन गया एक तरह से वहां पे और टू कैश हमने कैश पे करा ठीक है तो डेबिट करेंगे हम बिजनेस प्रमाइसिस को तो डैश अकाउंट इज डेबिटेड में आ जाएगा बिजनेस प्रमाइसिस और डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड में आ जाएगा कैश जल्दी से आप ये नहीं करेंगे कि इसको डेबिट किया इसको क्रेडिट तो आपने ये भी ध्यान नहीं देना है कि इधर क्रेडिट लिखा है डेबिट मतलब उन्होंने यहाँ पे एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए उल्टा कर दिया है वरना क्या होता है ना से माइंड में मैंटेलिटी इस तरह से बन जाती है बच्चों की कि पहले डेबिट होगा फिर क्रेडिट होगा तो इस चीज का ध्यान देंगे जल्दी में ये मत करना आप कर दोगे प्रोमाइसिस टू कैश वो गलत हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी कैश और प्रोमाइसिस प्रमाइसिस को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट क्लियर है वाला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखना लेंथ ही दिख रहा होगा बट डिफिकल्ट हो नहीं है डोंट वरी अ डायमंड रिंग वर्थ रुपीज वन लैक वॉज स्टोलन फ्रॉम द शॉप ऑफ मेसर्स शाइन ज्वेलर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर टू थाउजेंड इलेवन ट्वेल्व अब ये शॉप थी शाइन ज्वेलर्स इनका बिजनेस ही था ज्वेलरी का तो इनमें क्या हुआ इनकी एक डायमंड रिंग क्या हो गई स्टोलन हो गई स्टोलन मतलब चोरी हो गई वन लाख की तो एक लाख का उनको एक तरह से खर्चा पड़ गया पर उसमें आगे लिखा है इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज सिक्सटी थाउजेंड वॉज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी तो हमने रिंग को क्या करके रखा था इंश्योर करवा के रखा था इंश्योरेंस कंपनी के पास तो सिक्सटी थाउजेंड का क्लेम हमने एडमिट करा तो हुआ क्या बट नॉट डिस अप टू द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर सिक्सटी थाउजेंड का क्लेम हम उनसे ले सकते थे पैसे हमें आ जाते इसके बट उन्होंने हमारे साल खत्म होने तक उन्हें हमें पेमेंट नहीं करी तो क्या हुआ ये हमारे इंश्योरेंस एक्रूव हो गई एक्रूव मतलब क्या हो गया विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड एक तरह से हमारा एसेट बन गया ये जो हमने रिसीव कर या तो हम बोल सकते हैं दिस इज इंश्योरेंस रिसीवेबल कितने अमाउंट से सिक्सटी थाउजेंड से इन दिस रिगार्ड नो एंट्री वॉज पासड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च वुड भी अब वही कहा है कि इसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं करी गई थी बुक में तो एंट्री क्या पास करेंगे खुद देखिए रिंग थी चोरी हो गई कितने की वन लाख की वन लाख का हमें खर्चा हुआ पर उसमें से क्या हुआ सिक्सटी थाउजेंड का हमें पता है कि इंश्योरेंस वालों से हमें पैसा आ जाएगा तो एक्चुअल में हमारा नेट कितने का लॉस हुआ है फोर्टी थाउजेंड का तो एंट्री क्या होगी लॉस कितना हुआ हमारा रिंग का लॉस अकाउंट डेबिट फोर्टी थाउजेंड बाकी क्या हो जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारा एसेट हो गया सिक्सटी थाउजेंड हम रिसीव कर लेंगे बाद में डेबिट सिक्सटी थाउजेंड टू यहाँ पे क्या आएगा डायमंड रिंग डायमंड रिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि शॉप ही ज्वेलर्स की है तो पता है कि उनके लिए गुड्स होंगे परचेजेस होंगे डायमंड रिंग जो रेगुलरली जिसमें वो डील करते हैं अगर नहीं होता रेगुलरली जिसमें डीलिंग करते तो एसेट मानते तब यहाँ पे हम डायमंड रिंग लिखते बट यहाँ पे उनकी ये गुड्स हैं जिसमें वो रेगुलरली डील करते हैं तो यहाँ पे, पे, तो पे क्या आएगा टू परचेजेस कितने आ जाएगी रुपीज वन लैख तो अब इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या एंट्री होगी और एक चीज आप ध्यान देंगे Options देखेंगे जब आप तो आप देखेंगे एक तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा है और एक तरफ लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट करा है तो आप लॉस बाय थेफ्ट को कराएंगे तो गलत होगा गलत है वैसे एंट्री तो गलत नहीं है बट स्टिल ये नॉमिनल नेचर का होता है ना लॉस बाय थेफ्ट हमें पता है नॉमिनल है तो सारे नॉमिनल अकाउंट इन दी एंड पी एन एल अकाउंट में ही जाते हैं तो जब दोनों ऑप्शन ये रखे होंगे तो आपने ज्यादा किसको प्रेफरेंस देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्योंकि बाद में फर्दर यहीं पे ही ट्रांसफर होंगे सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट फोर्टी थाउजेंड से इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सिक्सटी थाउजेंड से टू परचेजेज रुपीज़ वन लैख क्लियर है ये वाला क्वेश्चन बाकी अगर क्वेश्चन में आपको ये वाली एंट्री नहीं दी होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं दिया होता ये वाला ऑप्शन नहीं होता तब आपने किसको टिक करके आना था ऑप्शन बी को बट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्लियर है वाला भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन ट्रायल बैलेंस टोटल सैलरी पेड रुपीज फाइव थाउजेंड और आपको एडजस्टमेंट दी है सैलरी फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थर्टियथ जून टू थाउजेंड फिफ्टीन रुपीज फाइव हंड्रेड वॉज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ रुपीज फाइव थाउजेंड अकाउंटिंग ईयर क्लोजेज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च क्या हुआ ध्यान से देखना ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पहले आपके ट्रायल बैलेंस में सैलरी है फाइव थाउजेंड की पर ये सैलरी फ़ाइव थाउजेंड की जो है इसमें फाइव हंड्रेड का अमाउंट जो है वो कौन सी सैलरी का है जो फर्स्ट अप्रैल फिफ्टीन से थर्टीथ जून फिफ्टीन की है पर हमारा साल तो थर्टी फर्स्ट मार्च को ही क्लोज़ हो रहा है इसका मतलब ये जो अगले तीन महीने की सैलरी पाँच सौ की है इसमें एडवांस में इंक्लूड हो गई है यह हम कह सकते हैं कि हमारी क्या है प्री पेड सैलरी ठीक है तो प्रीपेड सैलरी का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं जब वो एडजस्टमेंट में दी होती है एक तो हम सैलरी के अमाउंट में से उसको माइनस करते हैं और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड ठीक है तो उन्होंने ये पूछा है हाउ दिस एडजस्टमेंट विल बी डेल्ट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन पहला है डिडक्ट रुपीज फ्रॉम सैलरी चलो यहाँ तक तो ठीक लग रहा है कि फाइव हंड्रेड डिडक्ट करने हैं आगे देखते हैं पी एन एल में ये yes. और शो रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड एज एन एसेट इन बैलेंस शीट और फोर्टी फाइव हंड्रेड को आप एसेट बता दो बैलेंस शीट में नहीं गलत हो जाएगा फोर्टी फाइव हंड्रेड को नहीं बताना है हमने सिर्फ और सिर्फ फाइव हंड्रेड को एसेट बताना है तो पहला ऑप्शन गलत हो गया देन एड रुपीज फाइव हंड्रेड इन पी एन एल पहले ही गलत हो गया एड तो हमने करना ही नहीं है फाइव हंड्रेड को देन शो सैलरी रुपीज फोर्टी फाइव हंड्रेड इन पी एन एल एन रुपीज फाइव हंड्रेड एज एसेट इन बैलेंस शीट येस दिस इज द करेक्ट आंसर क्यों हमने पी एन एल में

सी आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अगला देखते हैं एंड मैंने इस बार ये वाले प्रैक्टिस सेशन में मेजरली कहाँ पे फोकस कर रहा है ज्यादातर जर्नल एंट्रीज में क्योंकि बच्चों से अभी भी स्टिल गलती हो जाती है फ्रेमिंग में और कुछ कॉम्प्लिकेटेड अगर बीच में आ जाती है तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं तो आई एम ट्राइंग की एक बार दोबारा इसके थ्रू हमारे रिविजन हो जाए जो भी हमने एंट्रीज बनाई थी ठीक है तो देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ए ओड रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू बी ए बिकम्स इंसॉलवेंट बी गॉट एज कंप्यूटर वैल्यूइंग रुपीज इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इन हिज फुल सेटलमेंट जर्नल एंट्री विल बी पास इन द बुक्स ऑफ बी अब क्या जर्नल एंट्री पास होगी ध्यान से देखना ए ओड रुपीज टू बी इस लाइन का क्या मतलब होता है कि ए को ए मतलब लाइबल है देने को बी को कितने रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ए ने बी को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ देने थे पर हुआ क्या ए इंसॉलवेंट हो गया मतलब इंसॉलवेंट जैसे हिंदी में बोलते हैं उसका दिवालिया है निकल गया तो तो अब वो इतना कैपेबल ही नहीं होगा कि वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अमाउंट की पेमेंट कर पाए तो क्या किया बी ने बी ने ए का कंप्यूटर ले लिया एलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का फुल सेटलमेंट में अब बी ने सोचा कि मैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो रिकवर कर नहीं सकता तो चलो कंप्यूटर ले आता हूँ उसका जिसकी वैल्यू कितनी थी इलेवन थाउजेंड फाइव 100, तो में से 11, का उसने कंप्यूटर ले लिया तो इन दी एंड क्या हुआ थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्टिल जो है वो रिकवर नहीं कर पाया 11, का कंप्यूटर ले लिया और टोटल अमाउंट था जो उसने ए से लेना था तो क्या हुआ ए अब पता है आगे पैसा मिलना ही नहीं है तो एंट्री क्या पास करेंगे ए जो हमारा डेटर था एक तरह से जिससे हमने पैसे लेने थे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड वो हमारा खत्म हो गया पैसे मिलेंगे नहीं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड से कुछ तो मिले ना और वो मिले क्या कैश नहीं मिला कंप्यूटर मिला है तो हम कंप्यूटर को डेबिट कर देंगे वो हमारे पास आ गया वो हमारे लिए एसेट बन जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और हमें क्या होगा यहां पे लॉस हो जाएगा यहां बोल सकते हैं हमारा बैड डेट्स हो गया जो हमें पैसा नहीं मिलेगा account, expense, तो उसको हम करेंगे, कितने से थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो कंप्यूटर जर्नल एंट्री तो हम देखेंगे इसका यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे है दिस इज ऑप्शन बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अकाउंट डेबिट रुपीज थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू एज अकाउंट रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सनसेट टूर्स हैज रुपीज़ थर्टी फाइव हंड्रेड अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम मोहन ऑन ट्वेंटी जैन द रोटरी मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी वन हंड्रेड टू सनसेट टूर्स दी जर्नल एंट्री मेड ऑन ट्वेंटी जैन बाई सट टूर्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूड्स अब सनसेट टूर्स क्या थे कोई फॉर्म थी कुछ भी तो उन्होंने क्या करा उनके अकाउंट रिसिवेबल थे मतलब मोहन से पैसा लेना था उन्होंने थर्टी फाइव हंड्रेड का बाद में क्या हुआ ट्वेंटी जैन को पेमेंट कितनी करी उसने सिर्फ ट्वेंटी वन हंड्रेड की अभी सिर्फ पार्शियल पेमेंट करी है ये नहीं कहा कि उसने पेमेंट करी ही नहीं ठीक है बाकी फर्दर पेंडिंग उसने करनी होगी तो कह हैं ट्वेंटी वन हंड्रेड पेमेंट कर दी थर्टी फाइव हंड्रेड एक्चुअल में थी अभी सिर्फ ट्वेंटी फाइव अभी सिर्फ ट्वेंटी वन हंड्रेड करी है तो, तो इस रिगार्ड में हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे ठीक है तो आप खुद देखना ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रखती हूँ नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में तो इसका आंसर बता ही दूंगी स्टिल एक बार आप इसको खुद ट्राई करिएगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा ट्रांजेक्शन का ओके चलिए नेक्स्ट वन वेन स्टार्टिंग पॉइंट इज अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट आर नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट और ये वाले ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस होता है बच्चे इसमें गलती करते हैं इसको आपने ध्यान से करना है सुने अब क्या है आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कह सकते हैं और आपको पता है ये वाला बैलेंस जो होता है इसको हमें स्टार्टिंग में नेगेटिव में ही लिख देना होता है तो हम बोल सकते हैं दिस इज ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक जो भी अमाउंट होगा वो नेगेटिव में होगा अब हमें पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एज पर कैश बुक है तो हमने कहाँ पे जाना है एज पर पास बुक तो बीच में जो भी हमने करना होगा कैसे सोच के करना है एज पर पासबुक ठीक है हुआ क्या अब आपको कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट दिया था फिर कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स हैं उसको क्या करेंगे और हमें पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स दोनों क्या होंगे बैंक में आ रहे होंगे तो इससे क्या हुआ होगा हमारी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे जो भी रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा यहाँ पे उसको प्लस करोगे ठीक है अब बच्चे जल्दी से करके आएंगे ऑप्शन इसका एडेड इन बैंक रिकन्सिडेशन स्टेटमेंट तो वो गलत होगा तो मैंने आपको बोला था जब ओवरड्राफ्ट वाला केस होगा या तो आप ऐसे ट्रिक समझ लें कि हमेशा रिवर्सल होगा आप सोचेंगे प्लस पर नहीं हो प्लस नहीं करोगे आप उसको माइनस करके आओगे ओवरड्राफ्ट केस में सब उल्टा हो जाता है या फिर लॉजिक से समझना है तो आप खुद देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो इन दी एंड नेट इफेक्ट तो सच में क्या हो रहा है सब ही हो रहा है ना माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी समझा रखी है ठीक है चलिए अगला देखते हैं इफ़ द स्टार्टिंग पॉइंट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक शुड बी अब क्वेश्चन में कहा है कि आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है एज द स्टार्टिंग पॉइंट वही हो गया कि क्या है ओवर ड्राफ्ट तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक बाकी बोला कि आपने क्या करा बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया पर उसको कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करा खुद ही कैश आपने डिपॉजिट करवाया कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा तो क्या हुआ होगा बैंक में तो रिकॉर्ड हो चुका होगा पासबुक में वो चीज़ प्लस हो गई पर आपने अपनी कैश बुक में प्लस नहीं करी तो आप यहाँ पे उसको क्या करोगे प्लस में लिखोगे पहले तो हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट तो माइनस में ही लिखा होगा ओवरड्राफ्ट है तो यहाँ पे कैश डिपॉजिटेड को जो भी अमाउंट होगा हम प्लस करेंगे पर क्योंकि ओवरड्राफ्ट वाला केस है तो हम इसका उल्टा करते हैं एडेड नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे डिडक्टेड इन बी आर एस क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेट इफेक्ट क्या होगा माइनस प्लस माइनस ठीक है डिडक्टेड इन बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एमसीक्यू सेशन अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड डू मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ एनी बडी इज न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट सो स्टे ट्यून्ड फॉर मे नेक्स्ट वीडियो थैंक यू